स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे, इस चैनल पे आपको मैथ्स साइंस एंड अदर स्टडी टिप्स वीडियोस मिलेगी तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो जो है वो किसके ऊपर होने वाला है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट के ऊपर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स डेफिनेशन जान लेते हैं जो हमारे चैप्टर में चैप्टर्स को समझने में हमारा हेल्प करेगा सबसे पहला जो है वो है सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट सेंसिटिविटी ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा एबिलिटी है जिसके कारण वो क्या होता है अपने सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर पाता है जैसे कि मान लीजिए हमारे सराउंडिंग में अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ आज जो है वो गर्मी ज़्यादा है अगर फ़ैन चल रहा है चलते चलते अगर फैन ऑफ हो गया तो हम लोगों को गर्मी लगना शुरू हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं कि ये फ़ैन जो है ऑफ हो गया है गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी सिंपल मतलब सेंस करना किसी भी चीज़ को ओके नेक्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द लोकोमोटरी मोटरी ऑर्गन इज़ कॉल्ड एज़ लोकोमोशन लोकोमोशन का सिंपली क्या मतलब है लोकोमोशन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो होल बॉडी को अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा सके ठीक है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू वॉलन्ट्री मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब कंट्रोल मूवमेंट तो लोकोमोशन में हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल्ड मूवमेंट मतलब अपने विल के अकॉर्डिंग हम लोग लोकोमोट करते हैं क्लियर है फिर से डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं द प्रोसेस बाई विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज लोकोमोशन तो क्लियर पॉइंट ये है कि लोकोमोशन का मतलब हुआ कि जब हम लोगों का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों का जो बॉडी है वो लोकोमोट किया है नेक्स्ट जो है वो तो क्या है मूवमेंट द प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीमुली कैन मूव एनी पार्ट ऑफ देअर बॉडी इज कॉल्ड मूवमेंट लोकोमोशन में हम लोग क्या देख रहे थे पूरा का पूरा बॉडी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या हो रहा था शिफ्ट हो रहा था लेकिन मूवमेंट में क्या बोल रहा है द प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीमुली कैन मूव एनी पार्ट ऑफ़ दियर बॉडी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लाइन है एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी तो मूवमेंट में क्या होगा कि कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी को हम लोग हिलाएंगे मतलब अगर सिर्फ हम लोग खड़े हैं एक जगह पर और अपने फिंगर को अगर हिला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा मूवमेंट कहलाएगा अगर हम लोग खड़े हैं और अपने हैंड को हिला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा मूवमेंट कहलाएगा लेकिन अगर हम लोग खड़े हैं और थोड़ी देर बाद चलकर आगे चले गए तो वो मूवमेंट नहीं वो हमारा लोकोमोशन हुआ ठीक है ये तीनों पॉइंट क्लियर है सेंसिटिविटी का मतलब सेंस करना अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं उसको सेंसिटिविटी बोलेंगे क्लियर है अब हम लोग कुछ अब हम लोग जो है वो रिलेशन जान लेते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में क्या रिलेशन है द बेसिक रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज दैट मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन रिजल्ट इंटू लोकोमोशन ओके मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन रिजल्ट इंटू लोकोमोशन तो लोकोमोटरी ऑर्गन का मूवमेंट के कारण क्या होता है लोकोमोशन होता यही है यही बेसिक रिलेशन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में तो हमारा जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है ह्यूमन में हम लोगों में लोकोमोटरी ऑर्गन है लेग तो लेग का अगर हम लोग मूवमेंट करेंगे अगर लेग का मूवमेंट करेंगे तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे तो ये हो गया हम लोगों का लोकोमोशन हो गया जब हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गन का मूवमेंट किए तो क्या हुआ लोकोमोशन हुआ इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल है मूवमेंट ऑफ विंग्स इन बर्ड रिजल्ट इन फ्लाइट तो जो बर्ड है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन उसका विंग्स है वो विंग्स लोकोमोट करता है जैसे ही वो अपने विंग्स को मूव करता है मूवमेंट लाता है अपने विंग्स में वैसे ही वो क्या हो जाता है लोकोमोट करके एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है क्लियर है तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोट अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लांट में कितने तरह का मूवमेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट में तीन तरह का मूवमेंट होता है एक जो है वो है टैक्टिक मूवमेंट दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड थर्ड है नेस्टिक मूवमेंट फिर से देख लेते हैं टैक्टिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट ये तीन तरह का मूवमेंट जो है वो प्लांट में होता है अब एक एक करके ये तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहला है टैक्टिक मूवमेंट टैक्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है इट इज़ द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली इट इज़ द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोको मोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली तो ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें प्लांट जो वो फ्रीली मूव कर पाएगा ठीक है ये वाला लाइन को ये वाला लाइन को अच्छे से देखिए वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली तो ऐसा मूवमेंट है जिसमें प्लांट जो है वो फ्रीली मूव करेगा और स्विम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगा किसके कारण इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट लाइट के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण या फिर केमिकल्स के कारण मूव करेगा क्लियर है तो टैक्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन मतलब कि एक जगह से प्लांट जो है वो दूसरे जगह पे जा रहा है इसका एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है क्लैमी और वॉलवॉक्स टैक्टिक मूवमेंट का कितना टाइप होता है वो जान लेते हैं तो टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट में हम लोग देखते हैं कि एक टाइप होता है जो कि है फोटो टैक्टिक मूवमेंट और भी टाइप्स है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप को बताया गया है फोटो टैक्टिक मूवमेंट का जो डेफिनेशन है वो है द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिज्म ये लाइन इंपॉर्टेंट है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट मतलब ऐसा टैक्टिक मूवमेंट जो कि लाइट के द्वारा हो ऐसा टैक्टिक मूवमेंट जो कि लाइट के द्वारा हो उसे क्या कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट फोटो फोटोटैक् सॉरी फोटो टैक्टिक मूवमेंट फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए ऐसा टैक्टिक मूवमेंट जो कि लाइट के द्वारा हो उसे क्या बोलेंगे फोटो टैक्टिक मूवमेंट और ये किस में होता है ये होता है क्लैमी डोमस और वॉलवॉक्स में होता है फोटो टैक्टिक मूवमेंट किस में होता है क्लैमी डोमस एंड वॉलवॉक्स में होता है ओके तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर टैक्टिक मूवमेंट मुने टैक्टिक मूवमेंट में क्या समझे हम लोगों ने कि टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि पूरे के पूरा बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट कर जा रहा है और या फिर फ्रीली स्विम कर पा रहा है क्लियर है नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया जो कि था टैक्टिक मूवमेंट ये सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है जो कि है ट्रॉपिक मूवमेंट इसका डेफिनेशन है इट इज़ द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गेन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस आइदर टूवर्ड्स और अवे तो इस वाले डेफिनेशन में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट एक तो मूवमेंट ऑफ करवेचर और दूसरा जो है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टीमुलस तो टैक्ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है कि आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर आप कोई प्लांट अगर अपने घर में लगाते हैं तो वह प्लान जो है वो क्या होता है एक साइड में मूव करता है जब वो ग्रो होता है तो उसका जो नोट्स है सबसे एंडिंग पॉइंट है वही कोई एक साइड में मूव करता है जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक विंडो के पास कोई पेड़ लगाए हैं तो वो क्या करेगा विंडो के तरफ उसका जो शूट्स है वो किस तरफ जाता है विंडो के तरफ जाता है ऐसा किस लिए होता है ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट के कारण होता है और एक और एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसका जो रूट है वो हमेशा किसके तरफ किसके तरफ डायरेक्टेड रहता है ग्राउंड की तरफ डायरेक्टेड रहता है और उसका शूट जो है वो किसके तरफ डायरेक्टेड रहता है टू द ग्राउंड स्काई की तरफ हमेशा डायरेक्ट डायरेक्टेड रहता है तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है और ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है यानी इसमें जो है वो क्या होगा कर्वेचर के कारण मूवमेंट होगा और डायरेक्शन ऑफ स्टीमुलस मतलब स्टीमुलस का जिस तरफ डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ क्या होगा जिस तरफ स्टीमुलस का डायरेक्शन होगा उसी तरफ ये मूवमेंट होगा अब स्टीमुलस क्या है वो समझ लेते हैं तो स्टिमुलस कोई भी फिजियोकेमिकल चेंज ऑफ एनर्जी हमारे सराउंडिंग में अगर हो रहा है किसी भी तरह का चेंज हमारे सराउंडिंग में हो रहा है जिसके कारण हम लोगों के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर इम्पल्स जेनरेट हो रहा है फिर से समझिए कि कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है जिसके कारण हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर उसके कारण कोई इम्पल्स जेनरेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे स्टीमुलस बोलेंगे ठीक है ओके अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट समझ लेते हैं तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इसका इट इज़ द इंड्यूज मूवमेंट ऑफ़ कर्वेचर तो ये क्या है ये मूवमेंट ऑफ़ कर्वेचर है ओके okay? ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है नेक्स्ट जो है वो क्या है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टीमुली ये ऑलवेज किससे इन्फ्लुएंस्ड रहेगा डायरेक्शन ऑफ स्टीमुलिस से मतलब जिस तरफ स्टीमुलिस का डायरेक्शन रहेगा इसका जो है वो अधीरी तरफ ये क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रहेगा उसी तरफ ये मुड़ेगा और उसी से ये इन्फ्लुएंस होगा नेक्स्ट है ऑकर्स ड्यू टू ग्रोथ ये ग्रोथ के कारण होता है ग्रोथ के कारण होता है मतलब अगर जब यब, जब ये ग्रो होगा तो क्या होगा ग्रोथ के कारण होता है इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि हम लोगों ने प्लांट लगाया तो वो विंडो की तरफ मूव कर रहा था ठीक है तो वो कब मूव कर रहा था जब उसमें ग्रोथ हो रहा था तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट वो किसके कारण होगा ग्रोथ के कारण होगा ओके नेक्स्ट है इट ऑकर्स इन इमेच्योर्ड ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी इम ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी वही बात है कि जो हमने बताया अभी पहले कि किस तरफ हो रहा था शूट के एंडिंग पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा था अभी ग्रो कर रहा था ग्रो करके बढ़ रहा था तो वही ग्रोइंग रीजन इम ग्रोइंग रीज़न कौन सा होता है जो हमारा प्लांट का जो शूट होता है उसका सबसे एंडिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है इमेच्योर्ड ग्रोइंग रीज़न होता है तो ये उसी जगह पे होता है लास्ट पॉइंट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रॉपिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट हार्मोन है हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे तो ट्रॉपिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो किसके कारण होता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है ओके okay, क्लियर है ओके okay, अब जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट समझ लेते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो तीन टाइप का होता है एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एक जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक जो है वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब हुआ कि वो मूवमेंट जो लाइट के कारण होगा लाइट से जो इन्फ्लुएंस होगा वो मूवमेंट मतलब हम लोगों ने जब पेड़ को खिड़की के पास रखा था विंडो के पास जब पेड़ को रखा था तो जो उसका शूट्स है वो किस तरफ जा रहा था उसका शूट जो है वो लाइट के तरफ़ यानी सन के तरफ जा रहा था लाइट के तरफ जा रहा था तो वो कौन सा मूवमेंट हो जाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आप अपने बुक को खोल के देखिए उसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको अच्छे से समझिए तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसके कारण होगा लाइट के कारण जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसके कारण होगा ग्रेविटी के कारण जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी के कारण होगा ठीक है जियोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारा रूट है किसी भी प्लांट का रूट जो है वो किस तरफ होता है ग्रेविटी के तरफ मतलब ग्रेविटी हमारा ग्राउंड की तरफ है तो रूट हमेशा किस तरफ अट्रैक्टेड होता है ग्राउंड के तरफ अट्रैक्टेड होता है क्लियर है ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट है और शूट जो है वो किस तरफ होता है वो हमारा हमेशा अबव द अब अब ग्राउंड की तरफ रहता है तो ये नेगेटिव जियो जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया तो हम लोगों को इससे क्या पता चला कि ट्रॉपिक मूवमेंट में एक पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है और नेगेटिव भी मतलब अगर स्टीमुलस के डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव और स्टीमुलस के अगेंस्ट में अगर हो रहा है तो क्या होगा नेगेटिव होगा ओके और इसका जो मूवमेंट का जो लास्ट जो टाइप है वो क्या है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट हाइड्रो के मतलब हम लोगों को मालूम है वाटर तो ऐसा मूवमेंट जो किसके कारण हो वाटर के कारण हो अब वाटर के कारण कौन सा मूवमेंट होता है ऐसा मूवमेंट जो वाटर के कारण हो तो वाटर के कारण कौन सा मूवमेंट होता है सिमिलर जो रूट्स है वो किसके तरफ जाता है वाटर के तरफ जाता है जब किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो रूट जो है वो किधर जाने का कोशिश करता है रूट हमेशा जो है वो जहाँ पे ज़्यादा वाटर रहता है वहाँ पे जाने का कोशिश करता है क्लियर है मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल्स अच्छे से दिया हुआ है तो बुक को खोलें और एग्ज़ाम्पल्स देख लें ठीक है ओके okay. अब जो है वो क्या है नेस्टिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट को समझ लेते हैं सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है इट इज़ द इंड्यूज मूवमेंट ऑफ करवेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टीमुलस यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ करवेचर है लेकिन यहाँ पे क्या है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टीमूलस इससे पहले वाले में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ स्टीमूलस समझा मतलब जो हमारा फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट था उसमें क्या था डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट है उसमें क्या है उसमें है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस का जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उसके कारण ये क्या होगा मूवमेंट होगा ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेस्टिक मूवमेंट का वो क्या क्या है वो समझ लेते हैं पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जिस तरह से ये जिस तरह से ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो था क्या था इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर था उसी तरह से ये नेस्टिक मूवमेंट भी क्या होगा इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ़ कर्वेचर है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई इंटेंसिटी ऑफ स्टीमुलस ये जो है वो इंटेंसिटी ऑफ स्टीमुलस से इन्फ्लुएंस होता है ठीक है इंटेंसिटी ऑफ स्टीमुलस मतलब मान लीजिए अगर ये लाइट के कारण होगा तो जब लाइट ज़्यादा होगा तब क्या होगा ये रिएक्ट करेगा और जब लाइट कम होगा तब उसके अपोजिट मूवमेंट करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है तो जब लाइट ज़्यादा होगा जब लाइट ज़्यादा होगा तो वो रिएक्ट करेगा वो मूवमेंट देगा और जब लाइट कम होगा तो वो नेगेटिव मूवमेंट करेगा क्लियर है अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है मतलब अगर स्टीमुलस जो है वो टेम्परेचर अगर रहता है तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव मूवमेंट होगा तो ये तो ये पॉइंट्स हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो नेस्टिक मूवमेंट है वो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के कारण होता है ये हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा जो थर्ड वाला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट में वो है इट ऑकर्स इन मैच्योर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी ये जो है वो मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में होता है इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैच्योर पार्ट में नहीं हो रहा था वो इम मेच्योर पार्ट में हो रहा था लेकिन ये जो है वो मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में होगा क्लियर है ओके okay. अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कितने टाइप्स का होता है वो समझ लेते हैं तो नेस्टिक मूवमेंट जो है वो चार टाइप का होता है एक है फोटोनेस्टी दूसरा है थर्मोनेस्टी तीसरा है केमोनेस्टी एंड चौथा है सिस्मोनेस्टी तो फोटोनेस्टी जो है वो क्या होता है फोटोनेस्टी जो है वो लाइट के कारण होता है ठीक है आपके पास बुक होगा उसको खोल कर देखिए इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ होगा बुक में नेक्स्ट जो है वो क्या है नेस्टिक मूवमेंट में थर्मोनेस्टी थर्मोनेस्टी जो है वो किसके कारण होगा टेम्परेचर के कारण होगा मतलब टेम्परेचर अगर इनक्रीज़ होगा या डिक्रीज होगा तो क्या होगा प्लांट में किसी तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा केमोनेस्टी जो है वो केमिकल के कारण होगा मतलब अगर कोई प्लांट है उसके इर्द गिर्द में अगर किसी भी तरह का केमिकल का चेंज हो रहा है तो वो क्या करेगा उस पर रिस्पॉन्ड करेगा ठीक है केमोनेस्टी किसके कारण हो रहा है यहाँ पे केमिकल्स के कारण एंड यहाँ पे सिस्मोनेस्टी जो हो रहा है वो हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल स्टिमुली किसके कारण हो रहा है मैकेनिकल स्टीमूली के कारण हो रहा है अब मैकेनिकल स्टीमुली यहाँ पे कौन है मैकेनिकल स्टीमुली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मान लीजिए आप लकड़ी वगैरह कुछ भी वो क्या हो गया मैकेनिकल स्टीमुली हो गया तो मैकेनिकल स्टीमूली के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्मोनेस्टी हो रहा है ठीक है फोटोनेस्टी का जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है वाटर लिली है लोटस है सनफ्लावर है ये सब क्या होता है कि जैसे ही सनराइज़ होता है वैसे ही ये सब ओपन हो जाता है और सनसेट जैसे ही होता है वैसे ही क्लोज़ हो जाता है इसी का नेगेटिव में अगर हम लोग देखें तो फ्लावर्स ऑफ नाइट क्वीन यानी जिसको हम लोग रात की रानी बोलते हैं जो फूल को वो क्या होता है रात के वक्त वो खिलता है और सुबह के वक्त क्या हो जाता है वो मुरझा जाता है तो ये नेगेटिव फोटोनेस्टी हो गया थर्मोनीस्टी में अगर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो वो है तुलिप या क्रॉकस जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर ओपन करता है और अगर टेम्परेचर कम रहा तो क्या हो जाता है वो क्लोज हो जाता है केमोनीस्टी में एग्ज़ाम्पल है जो है वो क्या है टेंड्रिल का टेंड्रिल का मूवमेंट होता है जब भी अगर टेंड्रिल के आप सराउंडिंग में अगर क्लोरोफॉर्म लेकर जाते हैं तो क्या होगा मूवमेंट होगा उसमें टेंड्रिल में और वो क्लोरोफॉर्म से दूर जाने का कोशिश करेगा ठीक है तो ये हो गया केमोनास्टी का एग्जाम्पल नेक्स्ट है सिस्मोनीस्टी सिस्मोनास्टी का एग्जाम्पल सिमिलर ये आपका सिसमोनास्टी का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है मीमोसा प्यूडिका ठीक है क्या है मीमोसा प्यूडिका अगर आप इसको टच करेंगे तो ये क्या होगा सिकुड़ जाएगा आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा मीमोसा प्यूरिका का और शायद देखा भी होगा तो इसको टच करने से क्या होता है इसको टच करने से ये सिकुड़ जाता है तो ये कौन सा मू कौन सा मूवमेंट के कारण होता है ये सिसमोनेस्टी मूवमेंट के कारण होता है और ये होता है इसलिए क्योंकि इसके टर्गर प्रेशर में चेंज होता है इसीलिए ये मूवमेंट होता है तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक यू